सबसे पहले आपको एक चीट गेनर करना है। अगर आपको चीट गेनर नहीं आता है तो आप क्रॉक्सक्रू नहीं कर पाओगे, क्योंकि डीपली चीट गेनर क्रॉक्सक्रू से रिलेटेड है। अगर आपको चीट गेनर करना नहीं आता, उसके लिए एक सेपरेटली वीडियो मेरे पास है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। चीट गेनर आपको बहुत आसान हुआ करने के लिए, बहुत कम वक्त लगता है, तो वो कर लो। उसके बाद क्रॉक्सक्रू करना, और उसके बाद एक बटरफ्लाई चाहिए। क्रॉक्सक्रू, चीट गेनर और बटरफ्लाई का कॉम्बिनेशन है। बटरफ्लाई अगर नहीं भी होगा तो भी आप कर लोगे, लेकिन चीट गेनर बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉक्सक्रू के लिए। क्रॉक्सक्रू में बटरफ्लाई का नहीं होना चलेगा, लेकिन चीट गेनर अगर नहीं होगा तो आप बटरफ्लाई नहीं कर पाओगे, एक क्रॉक्सक्रू नहीं कर पाओगे। तो बटरफ्लाई और चीट गेनर का कॉम्बिनेशन है ये क्रॉक्सक्रू। ये बहुत ही सिंपल फंडामेंटल थिंग है। आपको एक पहले जो जे स्टेप बोलते हैं, जे स्टेप चाहिए। जे स्टेप कुछ इस तरह का होता है, पहले एक मतलब जो राइट, आप अगर लेफ्ट करते हो तो लेफ्ट पैर आपको रखना है, अगर राइट करते हो राइट पैर रखना है, मतलब आपके कंफर्टेबल वे के हिसाब से। और वहाँ से आपको कुछ इस तरह से ग्रेजुअली शुरू करना है जे स्टेप से। जे स्टेप यहाँ पे आपको थ्रस्ट, फंडामेंटल फोर्स देने के लिए मदद करेगा। आपको जब बॉडी को आपका उछालना है तब आपको ये मदद करेगा। तो जे स्टेप कुछ इस तरह से आप करोगे, धीरे धीरे आपको जे स्टेप से उछाल करना है, मतलब इस तरह से उछाल कर 360 घूमना है। यहाँ से आपको मोशन मिल जाएगा। पहले ये करो, यह मतलब सिंपल लग रहा है, लेकिन आपको अगर ये करना है क्रॉक्सक्रू तो आपको ये सिंपल चीज़ें करना है, आपको बॉडी को, आपके जो मसल्स मेमोरी हो उसको गेन करने के लिए, ताकि आप क्रॉक्सक्रू करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा चोट से बचो। उसके बाद 360 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बटरफ्लाई ट्विस्ट नहीं कर पाते हो तो 360 ट्राई करो। 360 मतलब ऐसा ही कुछ है, स्टैंडिंग 360 आप कर सकते हो, या फिर जंप करके जे स्टेप के बाद 360 कर सकते हो। 360 ट्विस्ट एसेंशियली क्रॉक्सक्रू में जब आप चीट गेनर के बाद मारते हो वो होता है 360 ट्विस्ट, उसके बाद लैंडिंग होता है। तो क्रॉक्सक्रू, इसको ईगल कॉर्क इसीलिए हमने बोला, इसलिए रखा क्योंकि ये एक अलग टाइप का है, ये एक वेरिएशन है क्रॉक्सक्रू का। ऐसे में तो क्रॉक्सक्रू का बहुत डिफरेंट वेरिएशंस है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, लेकिन ये जो वेरिएशन है ये बहुत ही प्रेसाइज है, बहुत ही फंडामेंटल है और बहुत ही अच्छा दिखता है मारने में। तो ये लेफ्टी लोग के लिए है। अगर आप राइट करते हो तो आप अपने तरीके से कंफर्टेबली राइट को फॉलो करके कर सकते हो। तो एसेंशियली चलिए देख लेते हैं कि क्रॉक्सक्रू करने में क्या क्या होता है, क्या क्या ध्यान आपको रखना है ये ईगल कॉर्क करने के लिए। चलिए सुपर स्लो मोशन में देख लेते हैं और एक बार, कैसे जे स्टेप करना है, कैसे आपको चीट गेनर करना है, कैसे आपको ट्विस्ट करना है, कैसे लैंड करना है। चलिए सुपर स्लो मोशन में और एक बार देख लेते हैं। देखिए, आपको जे स्टेप कुछ इस तरह से करना होगा। पहले आपको आपका जो राइट लेग है रखना है, राइट लेग के बाद लेफ्ट लेग रखना है। मैं ऑपोजिट बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट वाइज करो, अगर आप राइट करके करते हो तो राइट वाइज करो। तो उसके बाद चीट गेनर मारना है, जंप करना है, और आधा चीट गेनर से आपको ट्विस्ट कर देना है बॉडी को। और जब आपका बॉडी ट्विस्ट हो रहा होता है तब आपको जो अपना नी है उसको थोड़ा फोल्ड करके रखना है, ताकि ट्विस्ट बहुत फास्ट हो और लैंडिंग में जब आप पैर खोलते हो एक बहुत ही अच्छी तरह से खुल जाए और खड़े होकर आप लैंड कर पाओ। अगर कॉम्प्लिकेटेड था तो चलिए और एक बार पूरी डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिटेल अगर हम नहीं देखेंगे तो कभी भी हमारा जो माइंड है वो प्रिजर्व नहीं कर पाएगा सब चीज़ों को। प्रैक्टिस के दौरान बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ेगा, हम भूल लेंगे बार बार कि क्या हुआ था क्या हुआ था। और एक बार चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। सबसे जो पहला है जे स्टेप, उसके बाद ट्विस्ट, उसके बाद लैंडिंग, ये फास्ट है। तो यही सब स्टंट्स को मिला के कंबाइन करके ईगल कॉर्क बनता है। ये उतना भी मुश्किल नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है। और मैं रिकमेंड करूँगा आपको, आप एक सेफ सरफेस पे जाके प्रैक्टिस करो जहाँ पर आपको चोट नहीं लगेगा। अगर चोट लगेगा तो आप कभी भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेंटली आप लाइक डर जाओगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा डर अपने अंदर पैदा हो जाएगा, तो तब आप ये नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा मैं बोलूँगा सेफली करो, और प्रोसेस सिर्फ एक ही है,
आपको प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आपका प्रोग्रेशन ठीक नहीं होता है, और वेट करता रहना है। और पेशेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि एक बहुत ही एडवांस स्टंट मूव है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी सवाल या सुझाव हो आपके पास तो कमेंट पर ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। आई विल कम विथ अनदर वीडियो, अनदर सेशन। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, नेवर गिव अप। आई विल सी यू लेटर।